हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं अभी एयरपोर्ट पर हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ नागपुर रोहन को सरप्राइज़ देने, और उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं नागपुर आ रही हूँ। मैंने उसे 11 बजे ही कहा था कि मैं सो रही हूँ, बट अभी बज रहे हैं 5:30, आई गेस 6 बजने वाले हैं। सो एक्चुअली हुआ ये कि काफ़ी टाइम से मुझे रोहन बोल रहा था कि तू नागपुर आ जा, तो नागपुर आ जा। वो अपने काम की वजह से मुंबई नहीं आ पा रहा है, तो सब मुझे बोला था आ जा, बट मेरे पास टाइम नहीं, मतलब ऐसा नहीं मेरे पास टाइम नहीं था, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तुझे पता है ना कल मेरी शादी है। मुझे कुछ काम था, मैं अपने कुछ काम में बिजी थी, तो मैं नागपुर नहीं जा पा रही थी। सो अभी मैंने सोचा मैं उसको सरप्राइज दूँ, उसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं नागपुर आ रही हूँ। एक्चुअली मैंने अमित भैया को बताया कि मैं नागपुर आ रही हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट पर लेने मुझे वही आने वाले हैं सुबह, और मैं रोहन से मिलूंगी दोपहर में। फ्लाइट का टाइमिंग था 5 बजे और मेरी फ्लाइट हो गई मिस। एक्चुअली मैं उठी, मैं तैयार हुई, मैंने मेरे को था कि मैं एक दो वीडियो बना लूँ, तो रेडी होने के बाद मैंने एक दो वीडियो बनाई। उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट के लिए निकली तो मुझे रास्ते में मिल गया ट्रैफिक, और आते आते यहाँ पर मेरी फ़्लाइट हो गई मिस। सीट्स बंद हो चुके थे, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद वापस अपनी दोबारा फ़्लाइट की, 7 बजे की फ़्लाइट है, और मैं कुछ 8:30 बजे नागपुर पहुँच जाऊँगी। और रोहन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं नागपुर आ रही हूँ। थोड़ा टाइम है बोर्डिंग में, मेरी बोर्डिंग 6:25 की है, तो मैंने सोचा बैठ के थोड़ी एक ब्लैक कॉफ़ी पी जाए। अपनी पूरी लाइफ में पहली बार किसी को सरप्राइज़ देने मुंबई से कहीं और जा रही हूँ, मैंने कभी किसी को भी सरप्राइज़ नहीं दिया। टाइम से सोच रही थी कि मैं नागपुर जाऊँगी ना तो मैं रोहन को सरप्राइज़ दूँगी, बट ऐसा कुछ कभी हो ही नहीं पा रहा था। मैं जा रही थी नागपुर और रोहन को पता था कि मैं आ रही हूँ, मतलब हमेशा उसको पता रहता था कि मैं आ रही हूँ, बट ज़रूर पता है कि वो खुश ज़रूर होगा। तो मैंने चेक इन वगैरह कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ अपनी बीच के पास। कोई काम ढंग से नहीं होता है, मैंने अपना बैग ही नीचे गिरा दिया। और अब मेरी जो फ्लाइट है वो फ्लाइट डिले हो गई। अगर यही पहले वाली फ्लाइट डिले हुई होती तो मेरी शायद मिस नहीं होती, और अभी वाली फ्लाइट डिले हो गई। हाँ, समझ नहीं आ रहा मैं एयरपोर्ट पर करूँ तो करूँ क्या। फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, आई एम बोर्ड। My sincere apologies for this delay and inconvenience which was caused due to late arrival of this aircraft from its previous sector. बैठे बैठे मुझे बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं अपनी नेल पेंट ही लगा लूं। मैं लैंड हो चुकी हूं। इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। एयरपोर्ट के बाहर निकल चुकी हूं, मैं बस अभी कार का वेट कर रही हूं, कार आएगी और मैं बैठूंगी कार में। कार में भी बैठ गई हूँ, अब मैं यहाँ से जाऊँगी अमित भैया के घर, वहाँ जाके हम डिसाइड करेंगे कि रोहन को कैसे सरप्राइज करना है, थोड़ा कुछ प्लान कर लेंगे सरप्राइज करने के लिए, क्या ही होगा। मैं अमित भैया के घर पे पहुँच गई हूँ। अमित भैया ने रोहन को फोन किया है पूछने के लिए कि वो कहाँ है। मेरे भाई, क्यों तू मेरे को फोन लगाने वाला था क्या? क्या कर रहा? बढ़िया यार। अरे मैं थोड़ा सा उधर आ रहा था उस साइड, तो मैं बोला तेरा कुछ प्लान है क्या वापस आने का, तो मैं आता हूँ तो मेरे साथ वापस आ जाना। अकेला आ गया? नहीं, अन्ना और मैं। हाँ तो ठीक है ना, ठीक है, ओके, चल वहाँ आके लगा था तेरे को। हम लोग निकल चुके हैं, उसकी कार की डिग्गी में छुप जाऊंगी, और जब वो डिग्गी खोलेगा तो उसको मैं मिलूंगी। ना थक गई हूँ, मेरे को इतना सर में दर्द हो रहा है, आंखों में थोड़ी जलन हो रही है, बैक पेन हो रहा है। तो फिर वहां से मैं निकल के आऊँ ना, उधर रहेगा ना फ्री? तो तू, अरे यार कैसी बात कर रहा तू यार। ठीक है, चड्डे पे आऊंगा, लेकिन आऊंगा तेरे लिए, टेंशन नहीं ले रखो। कितनी गहरी दोस्ती है इन दोनों की, मतलब एक अगर अपने आप को गोली मारेगा तो दूसरा भी मारेगा। ठीक है चल, दोस्ती चड्डी पे आएगा लेकिन आएगा। में रुकने वाला है और रोहन यहाँ पे आने वाला है, और मैं गाड़ी की डिग्गी में छुप जाने वाली हूँ। मुझे रोहन कंटिन्यूसली कॉल कर रहा है और मैं उसका फोन नहीं उठा रही हूँ। वो सोच रहा होगा मैं क्यों नहीं उठा रही, बट जो भी है सोचने दो। 4 फोन हो गए उसके अभी तक, और मैंने अपना नेट भी ऑफ कर दिया है ताकि वो थोड़ा शक में रहे, डाउट में रहे, कहाँ हूँ मैं। हम पहुँच तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है, लेटी हुई हूँ, मतलब क्योंकि मैं अगर बैठूंगी तो शायद यहाँ से दिख सकती। जैसे ही मुझे अमित भैया का मैसेज आएगा मैं रोहन की गाड़ी की डिग्गी में जाकर छुप जाऊंगी। ये रोहन अंदर गया,
अमित भैया ने बोला था मेरी डिग्गी में छुप जाना, लेकिन उनके ड्राइवर नहीं दिख रहे और गाड़ी में से मैं उतर गई और गाड़ी लॉक हो गई। शिट, तो कुछ खुल ही नहीं रहा है। फ्लाइट में छुपने का ही चुपचाप। विवेक भैया रोहन की गाड़ी की चाबी लेके आ गए और मैं अमित में जा रही छुप। विवेक भैया देखो, लो फोंदू फोंदू मेरा। आप प्रॉपर शूट करना ठीक है। सो गाइस, एकदम पूरी प्लानिंग हो चुकी है। ओह, मैं गाड़ी के अंदर हूँ। सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि यहाँ पर 35 डिग्री है और बहुत गर्मी और धूप है। शिट, गाड़ी में बहुत गर्मी लग रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मेरा दिल धक 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 कर रहा है, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई एकदम, मेरे हाथ कप को पा रहे। अरे भाई मैं देखो गुलाम तो आधी करके लेकिन इसकी बड़ी है, मैं इसको 25 का फोड़ दिया। कैसा लगा तुमको मेरा सरप्राइज? बहुत बढ़िया लगा, मैं सच में सरप्राइज हो गया। जिस चीज के लिए मैं आई थी वो चीज हो गई है पूरी। मैंने रोहन को दे दिया सरप्राइज और ये बहुत ज्यादा खुश है। ओके, नहीं घर से बोलो सॉरी। खुशी खुशी में गाड़ी नुकसान हो रहा है। सो गाइज, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय।